अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक साइंटिफिक राइटअप पे है। उसमें पर्टिकुलर जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो रिपोर्ट राइटिंग है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है। इसमें सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आ जाएंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं, इसमें आर्टिकल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज अ साइंटिफिक नॉलेज के सोर्सेज के तौर पर वर्क करते हैं, बुक्स हैं। सेकेंडली थर्डली कॉन्फ्रेंसेज सोर्स हैं, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही इसमें आती हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज का डबल सोर्स में इसे कंसिडर किया जाता है। न्यूज़पेपर्स रिटन फॉर्म में का एक टेक्स्ट मटेरियल आपको मिलता है। न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक आउटकम्स जो आते हैं, जर्नल बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स आपको मिलती है, जिन्हें आप फर्दर सर्च करके उनके बारे में पढ़ सकते हो। सो रिपोर्ट्स आती हैं रिलेटेड टू अ साइंटिफिक आउटकम, साइंटिफिक रिसर्च जो भी है उसके ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं, पब्लिश होती हैं। सेमिनार्स हैं, ये भी आउटकम है वर्बल इंफॉर्मेशन का। सिंपोजियम और सेमिनार दोनों ही वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों का ही सोर्स है। एक दफ़ा कॉन्फ्रेंसेज सेमिनार और सिंपोजियम का के साथ रिटन मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्फ्रेंस कमेटी या सेमिनार सिंपोजियम कमेटी जो होती हैं उसे पब्लिश करवाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बुक या इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, सिम्पोजियम प्रोसीडिंग वगैरह की फॉर्म में। उसके बाद आता है कोर साइंटिफिक नॉलेज का जो एक आउटकम है वो वेब पेजेस में से है। वेब पेज क्या होते हैं, वो किस तरह करके हेल्प करते हैं इसमें फ्लो करने में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके ऊपर साइंटिफिक कम्यूनिटीज़ के डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। इसके ऊपर ब्लॉग्स में डिस्कशन हो सकती हैं और ये डिस्कशन का फॉरम के तो वर्क करता है, साथ साइंटिफिक नॉलेज शेयर करने में हेल्प करता है ये। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ राइटअप की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें साइनॉप्सिस एंड प्रपोजल है। जब भी कोई साइंटिफिक राइटअप की तरफ हम जाते हैं तो एकेडेमिया या जो आपका कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट राइटअप आता है रिलेटेड टू रिसर्च, वो है उसका रिसर्च साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल। ये अर्ली आउटकम होता है जिसमें आप अपना एक प्रपोजल प्रोड्यूस करते हो साइनॉप्सिस की फॉर्म में और बताते हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप किस तरह कंडक्ट करोगे, क्या मटेरियल यूज़ करने के आपने सोचा हुआ और क्या आपका हाइपोथेसिस है, उसकी बेस के ऊपर आप एक प्रपोजल प्रोवाइड करते हो। और जो उसके आउटकम आते हैं रिसर्च कम्प्लीट होने के बाद वो रिसर्च रिपोर्ट्स की फॉर्म में या थीसिस और डिसर्टेशन की फॉर्म में आप उसे राइट अप के फॉर्म में लेके जाते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा कोई किसी भी साइंटिफिक राइटिंग का है वो साइनॉप्सिस है, साइनॉप्सिस या प्रपोजल। वो जब प्रपोजल वगैरह की बेस के ऊपर आप अपना वर्क स्टार्ट करते हो तो जो उस वर्क से आने वाला डाटा है, जो आउटकम है, उसको रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में और थीसिस और डिसर्टेशन की फॉर्म में आप पब्लिश करते हो, राइट अप उसका जो है उस फॉर्म में आता है। और फर्दर जो उसके अगर आप उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो इंस्टीट्यूशन से बाहर, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट्स कई दफ़ा और किसी डेजिटेशन इंस्टीट्यूट तक रह जाते हैं, विद इन कंट्री डायरेक्टरीज तक रह जाते हैं अगर, लेकिन आप रिसर्च को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए आप उसे रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में पब्लिश करवाओगे। तो डिफरेंट फोरम मौजूद होते हैं जो पेपर पब्लिश करते हैं। और बेसिकली रिसर्च पेपर एक आपका आर्टिकल होगा, रिसर्च आर्टिकल, और ये अवेलेबल होता है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए वर्ल्ड ओवर, ताकि वो उससे आपकी आउटकम को देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने क्या आउटकम लिया और वो अपने जो प्लान है रिसर्च प्लान उनमें आपकी आउटकम्स को माइंड में रखते हुए नेक्स्ट फेजेस की तरफ वो मूव कर सकें। उसके अलावा रिव्यू पेपर्स भी राइटअप में आते हैं कि इससे पहले अगर आप किसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं या किसी टॉपिक को आपने चूज़ किया है किसी हॉट इशू को, तो उसके ऊपर जो कुछ अब तक डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जो उसके आउटकम्स आ चुके हैं, जो रिसर्च ट्रायल्स उसके कंडक्ट हुए हैं, उनके जो भी डाटा है पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में है, उसको एज अ रिव्यू पेपर में आप डिस्कस करते हो कि कितने साइंटिस्ट ने इसके लिए पॉजिटिवली कहा है, कितने नेगेटिवली कहा है, या सिर्फ पॉजिटिव ही है उसके आउटकम जो भी हैं, वो आप उस रिव्यू पेपर्स की फॉर्म में पब्लिश करवाते हो। शॉर्ट कम्युनिकेशन, ये भी शॉर्ट रिसर्च पेपर की फॉर्म होती है जिसमें आप स्मॉलर डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। रिसर्च पेपर में ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा होगा, जबकि शॉर्टर कम्युनिकेशन जो होती है आर्टिकल की वो फॉर्म होती है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा आप प्रोड्यूस करके पब्लिश करा सकते हो। न्यूज़ लेटर एंड बुलेटिन आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है में से है। जब आप किसी भी फोरम पे अपने न्यूज़ लेटर्स, किसी फोरम पे कोई आउटकम्स आते हैं तो डिफरेंट सोसाइटीज़
जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ लिंक हुई हुई होती हैं उनके मंथली या वीकली न्यूज़ लेटर्स पब्लिश होते हैं जिनके अंदर वो रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो आउटकम आए होते हैं उनको पब्लिश करवाते हैं, इनको हम न्यूज़ बुलेटिन भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ लेवल पे पब्लिश होते हैं, पॉपुलर आर्टिकल्स, इसमें आपके डाइजेस्ट वगैरह न्यूज़ पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये पॉपुलर आर्टिकल्स में आते हैं जिसमें आप जनरल आम पब्लिक के लिए आप उसमें इंफॉर्मेशन लिखते हो, सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं होती बल्कि कॉमन मैन के लिए, कॉमन फार्मर्स के लिए, कॉमन प्लांट लवर्स के लिए या जो भी कॉमन पीपल हैं उनके लिए आप ये इसे राइटअप में लेके आते हो। बुक्स मेजर सोर्स रहा है, ये सबसे कह सकते हैं एडवांस फॉर्म होगी आपकी राइटअप की जिसमें कंपाइल किए जाते हैं बहुत सारे चैप्टर, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक ही फॉर्म में, एक ही ड्राफ्ट की फॉर्म में इकट्ठा करना, ये इसमें राइटअप में आता है। तो आज का जो हमारा इम्पोर्ट, उसके बाद लास्ट है पोस्टर, ये शॉर्ट कम्युनिकेशन की फॉर्म है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आपके आउटकम आते हैं आप उन्हें अपनी लैब्स के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको शॉर्ट विद इन अ सिंगल पेज जो कि एक पोस्टर की फॉर्म में हो सकती है, डिफरेंट डायमेंशन में पोस्टर होते हैं, तो उन डायमेंशन के अंदर आप शॉर्टेस्ट अमाउंट में उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते ताकि कोई भी आने वाला विजिटर है वो आके देखता है कि इस लैब्स के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या रिसर्च ट्रायल्स हो रहे हैं और क्या क्या आउटकम आ चुके हैं। हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको क्या क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन, इसमें कुछ आ जाती हैं या जो पब्लिकेशन में से जो पर्टिकुलर टाइप है रिसर्च रिपोर्ट उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला कंपोनेंट है उसका टाइटल, फर्स्ट कंपोनेंट उसका टाइटल है। टाइटल बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उस वर्क की, जिसे हम ट्राई किए जाते हैं कि लेस देन 10 वर्ड्स में कन्फाइंड कर दिया जाए, तो सबसे बेटर एक इम्पेक्ट देता है रीडर के ऊपर कि ये क्या चीज़ है, इससे रिलेटेड इसमें क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये जो रिसर्च ट्रायल है ये किस डायरेक्शन का है, किस डायमेंशन में काम किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली शॉर्ट समरी होती है एंटायर रिसर्च वर्क की, पूरी रिपोर्ट की एक शॉर्ट समरी होगी जिसे मोस्ट कॉमनली 250 से 300 वर्ड्स के अंदर कन्फाइंड किया जाता है। और ये रीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करने का पर्पस ये होता है कि रीडर जो है वो इससे क्विकली गो थ्रू हो जाता है और अपना इंटरेस्ट देखता है कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ इस आर्टिकल में मौजूद है या नहीं है। अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ मौजूद ना हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाता है कि वो समराइज किया हुआ होता उसमें कि उससे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस रिसर्च वर्क में है या नहीं है। किसी और डायमेंशन में अगर आपने काम किया हुआ है और यूज़र को कुछ और रिक्वायर है, जब वो एब्स्ट्रैक्ट रीड करेगा तो उसे उसमें पता चल जाएगा कि ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट हेल्प करता है रीडर्स को भी कि उसने इस आर्टिकल को उससे को कम्प्लीटली थारोली उसे रीड करना है या नहीं करना। अगर उसके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसे थारोली रीड करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट आर्टिकल को सर्च करेगा और उसको पढ़ सकता है। तो ये रीडर की कन्वीनियंस के लिए होता है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शॉर्ट कह सकते हैं एलैबोरेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी को डिस्कस किया जाता है, इसमें हाइपोथेसिस दिए जाते हैं और जो जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस किसी प्लांट पे अगर वर्क कर रहे हो, उसके किसी पर्टिकुलर टाइप के एट्रीब्यूट पर वर्क कर रहे हो तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बैकग्राउंड है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। दैन उसके बाद आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मटेरियल्स भी होंगे और मेथड भी होंगे, यानी कि मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। मटेरियल्स जो भी यूज़ किए जाने हैं इसमें, प्लांट्स हैं तो कौन सी टाइप के प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है, ये उसको एज अ मटेरियल के तौर पर ले लेंगे। उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट आप हैं, जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल्स में आ जाएंगे, जो स्प्रे उस पर करोगे, जो हारमोन्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, ये सारे मटेरियल्स में आ जाएंगे। मेथड्स एडॉप्ट ट्रेड जो है उसमें आ जाएंगे मेथड्स में कि आप किस तरह करके उस प्लांट को ग्रो कर रहे हो, उस रिसर्च को कंडक्ट कैसे कर रहे हो, कौन सा वे अडॉप्ट कर रहे हो, कौन सा उसका रिसर्च ट्रायल का डिज़ाइन है, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन कौन सा है, किस अप्रोच के साथ आप उसे कंडक्ट कर रहे हो, कौन से एनालिसिस टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, ये सारे सारा मेथड्स अडॉप्ट में आएगा। आपने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो वो कैसे कलेक्ट करना है वो भी
मेथड्स ऑफ अडॉप्टेड में आएगा। उसके बाद है रिजल्ट्स, जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो जाता है, मटेरियल मेथड जो तक जो है वो पोर्शन के एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ यूज़ की है, कैसे कंडक्ट किया गया, वो होगा। रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि समर हमें उसके समराइज डाटा बताएंगे, जो उसके आउटकम्स आएंगे उसको हम रिजल्ट्स में समराइज करते हैं, उसमें हायर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, कौन सी वैल्यूज़ हायर आई हैं, क्यों आई, कौन सी वैल्यू लोअर आई हैं, ये उसकी समरी हो जाएगी डाटा की। और उसके बाद डिस्कशन आती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स हम जो समरी उसकी डाटा की है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उन रिजल्ट्स को जो हायर रिजल्ट्स हैं या लोअर रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं कि क्यों ये हायर रिजल्ट्स आए हैं या क्यों लोअर रिजल्ट्स की तरफ ट्रेंड्स आ रहे हैं। हायर ट्रेंड्स और लोअर ट्रेंड्स दोनों को ही डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेट करना, वो डिस्कशन कहलाएगा। ये सेक्शन होगा सेपरेटली। तो जब हम डिस्कशन कंप्लीट कर पाएंगे, डिस्कशन में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसमें रिजल्ट्स को रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि रिजल्ट्स के जो के ऊपर डिस्कस किया जाता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसमें मिले हैं उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है, उस डिफरेंट चीज़ को के आने की वजह क्या है, उसको डिस्कशन में हम लेके आते हैं। लास्टली कंक्लूजन है, कंक्लूजन बेसिकली ओपिनियन और रिकमेंडेशन दी जाती हैं ऑन द बेस ऑफ जो डिस्कशन आपने की है उसकी बेस के ऊपर आपके जो रिजल्ट ट्रायल के जो हाइपोथेसिस हैं वो प्रूव हुए हैं या नहीं प्रूव हुए हैं। अगर प्रूव हुए हैं तो आप उसकी बेस पे रिकमेंड करोगे कि आप उस प्लांट के लिए किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ होना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ होना है, या कौन से हार्मोन्स की ट्रीटमेंट की जाए प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और कितनी क्वांटिटी में की जाए, ये सारी की सारी रिकमेंडेशन है, ओपिनियन है और ये कंक्लूजन में दी जाती है। और लास्टली लिटरेचर साइटेड आता है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे होते हो, मटेरियल मैटर लिख रहे होते हो और डिस्कशन कर रहे होते हो, तो इसमें कई दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ जाती है ऑलरेडी जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई होती है सब्जेक्ट के ऊपर, उनकी कुछ बातें आपने कोट की होती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइटेशन, टेक्स्ट में साइट किए होते हैं, और उनके जो रेफरेंसेज हैं वो लिटरेचर साइटेड की लिस्ट में आपने कम्प्लीटली लिखने होते हैं। तो ये लास्ट कंपोनेंट होता है जो लिस्ट करता है, लिस्ट ऑल द आर्टिकल्स और बुक साइटेड इन योर रिपोर्ट, जो भी आपने साइटेशन की होती है उन सबको वो लिस्ट करने में हेल्प करता है। तो कंपोनेंट्स का मैं कुछ जर्नलाइज ओवरव्यू दे देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर जैसे हैं, रिपोर्ट के भी तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसे ही होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है, जैसे ये टाइटल है, सबसे पहले इवेलुएटिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली सबस्ट्रेट फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ पॉटेड पैलेडियम। अब इसमें ये देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के पास हैं। दो कि ये थोड़ा लॉन्गर टाइटल है, इसे और शॉर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जितना लंबा होगा इससे ज़्यादा 12 तक जाना, 15 तक चले जाना मैक्सिमम ये सूटेबल है, लेकिन मोर देन 15 कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो लेस देन 15 इज सूटेबल है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप 10 वर्ड्स के अंदर अंदर लेस देन 10 वर्ड्स के अंदर अगर उसे एडजस्ट कर सकते हो तो सबसे बेटर होगा टाइटल। टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है, जिसमें पर्पस जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि पर्पस का अलहदा पोर्शन होगा, बाकी जो चीज़ उसमें रिक्वायर है कौन कौन सा पोर्शन होगा, क्या क्या करना है उसमें प्लांट की से रिलेटेड, तो सारी सारी डिस्कशन इसमें मौजूद होंगी। एक और एग्जांपल टाइटल की आपके सामने ये है, इम्प्रूव टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग सी डॉर्मेंसी टू एनहेंस जर्मिनेशन इन रोजा हाइब्रिडा। अब इसमें भी कुछ वर्ड्स देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ऑलमोस्ट, तो टाइटल में इतने वर्ड्स आ जाते हैं। हम थे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, तो ये फुल एब्स्ट्रैक्ट आपको शो करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये फुल एब्स्ट्रैक्ट है जो इस टाइटल के अकॉर्डिंगली इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका पर्पस क्या है, बेसिकली क्यों करना चाह रहा है, ठीक है, बस टू लाइंस के अंदर यहाँ तक उसने पर्पस डिफाइन किया है कि क्यों वो करना चाह रहा है, जो इंट्रोडक्शन में से उसने पिक किया है। वाइल उसके बाद इन थ्री ट्रीटमेंट्स 30 डेज वार्म टेम्परेचर, ये डिफरेंट चीज़ें जो यहाँ पर बता रहा है, ये कंडीशन मटेरियल मेथड का पोर्शन है जो उसने रिप्रेजेंट की है। और उसके बाद ये कुछ नेक्स्ट आगे शुरू हो जाते हैं, जर्मिनेशन लो जर्मिनेशन 18.20 डेज, ये रिलेटेड है उसका डाटा है, यहाँ डाटा को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और डाटा के बाद उसने जितना उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मेंशन की, और एंड में एब्स्ट्रैक्ट में जो है कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। तो जो रीडर होगा वो उस एब्स्ट्रैक्ट को रीड करेगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन सामने आपको नज़र आ रही है, थोड़े से पैसे से
बजाय वो 5-10 पेजेस पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि इसमें उसके काम की चीज़ होनी है, तो सब्सट्रैक्ट से उसे पता चल जाएगा कि वो उसमें फर्दर रीडिंग के लिए प्रोसीड करे या ना करे, और कीवर्ड्स भी उसे हेल्प करेंगे कि इसमें उसके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर उसका की फैक्टर डॉर्मेंसी से रिलेटेड वो सर्च करना चाह रहा है, उसे की फैक्टर की वर्ड्स में डॉर्मेंसी का वर्ड मिल रहा है, तो इट मीन्स कि उसमें कुछ उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। सेकेंड कंपोनेंट इंट्रोडक्शन था, जिसमें उसने दिया हुआ है सबसे पहले उस रोजेज़ के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको डिस्कस किया हुआ है, और इंट्रोडक्शन के बाद में यही चीज़ आगे चलती जाती हैं, और क्यों ये रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है, क्यों उसके अंदर ये सी ट्रीटमेंट डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए वो की तरफ मूव कर रहा है। मटेरियल्स मेथड, जैसे उसमें दिया हुआ है कि उसने 9 हाइब्रिड रोज कल्टीवर, मैं आगे ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, ये एज अ मटेरियल का सोर्स है कि 9 डिफरेंट टाइप के उसने हाइब्रिड रोज के कल्टीवर यूज़ किए हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और किस तरह करके किया है, यहाँ ईयर दिया हुआ, किस ईयर में किया हुआ, ये मेथडोलॉजी का पार्ट बनेगा, वो किस तरह कंडक्ट करेगा, किस तरह करेगा, और किस तरह उसके टेक्निक्स अडॉप्ट करेगा, कौन कौन सी, वो सारे का सारा इस पोर्शन में मटेरियल्स एंड मेथड्स में होगा। रिजल्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, ये रिजल्ट्स का पोर्शन है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि जो भी उसके रिलेटेड पैरामीटर्स थे उनका उसने जो डाटा लिया, वो डाटा यहाँ पे उसने प्रेजेंट किया हुआ है, ये सारे का सारा इसमें आपको डाटा नज़र आ रहा होगा, जिसको उसने सेंटेंस की फॉर्म में एलेबोरेट किया हुआ है, और रिजल्ट्स के साथ साथ ही इसमें ग्राफिकल फॉर्म में भी उसने रिजल्ट्स को शो किया हुआ। ये कुछ ग्राफिकल फॉर्म में जो डाटा रिप्रेजेंट हुआ होगा, ये भी रिजल्ट्स का हिस्सा होगा, इनके रेफरेंसेस रिजल्ट्स वाले सेक्शन में मेंशन किए होंगे कि फ्लाम फिगर फ्लाम टेबल में इसको मेंशन किया हुआ इस डाटा को, ये सारे का सारा रेफरेंस इसमें मौजूद होंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, कई दफ़ा इसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, तो इसको रिजल्ट्स में सेंटेंस के फॉर्म में लाजमी मेंशन किया जाता है, जो ज़रूरी है डाटा की प्रेजेंटेशन का, कह सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के फॉर्म में से आप लोग अंडरस्टैंड के ये लोग करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ग्राफ अंडरस्टैंड नहीं कर किए जा सकते, समझ नहीं आते, जैसे ये ग्राफ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसको वहाँ से रीड करने के बाद आप इसकी इसको अगर देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आती है डिस्कशन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर, जैसे बताया था मैंने, डिस्कशन जो है वो मौजूद होती है, यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही होगी, जो उसने रिजल्ट्स दिए थे, रिजल्ट्स यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, लेकिन इन रिजल्ट्स को बेस बनाते हुए वो उसको के बारे में फर्दर उसके ऊपर अपनी तरफ से आउटकम देगा, और जो दूसरी साइंटिफिक कम्यूनिटीज़ ने उसके बारे में काम किया, जैसे यहाँ पर ये लिखे हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम, वेक्सन एंड वेक्सन 1998, और इस तरह डिफरेंट तरह के यहाँ पे लोगों के नाम आपको नज़र आते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के, तो ये उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट ईरा में, 1998 में, 2005 में, 2009 में, 2008 में, 1931 में, रोज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी लिटरेचर की उसने यहाँ पे मेंशन की है। तो ये टेक्स्ट के अंदर जो साइट किए हैं रेफरेंसेस, ये हेल्प करते हैं उसकी डिस्कशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो जो भी बात करता है इनके रेफरेंस साथ कोट करके, उसने भी ये साइंटिस्ट ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया हुआ, इट मीन्स कि जो बात उनके आउटकम में इस रिसर्च ट्रायल के आउटकम में आ रही है उससे रिलेटेड प्रूफ मौजूद है साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो ये जो आउटकम है ये सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर आउटकम आने वाला ये सही है, इसमें गलती के चांसेस कम हैं। और उसके बाद लास्टली रेफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे मैं बता रहा था बेक्सन्स एंड बेस्किन जो है, बेस्किन एंड बेस्किन जो पीछे यहाँ पे नज़र आ रहा था, बेस्किन एंड बेस्किन 1998, तो उसके यहाँ पे रेफरेंस, कंप्लीट रेफरेंस मौजूद है, कब इसने काम किया था, कैसे कहाँ पे से इसे पब्लिश किया है, कौन सी जगह है, टाइटल क्या था इसका, जो भी इसका पूरी इंफॉर्मेशन, एंटायर उसके आर्टिकल की इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस में लिखी जाती है। तो यहाँ तक ये थे टोटल हमारे पास जो भी रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर, साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर है, जो लास्ट पोर्शन है ये साइटेशन वाला, लिटरेचर साइटेड जो है, इसे रेफरेंसेस भी कहते हैं, तो इसको हम डिटेल में एक अलहदा वीडियो में कैसे ये रेफरेंसेस लिखे जाते हैं वो अलहदा वीडियो में एक इसके पर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। वो आप इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बेसिक जो कंपोनेंट्स थे उनको डिस्कस करना था, वो और बाकी जो रिलेटेड इसकी इनकी डिटेल है उनके लिए आपको अलहदा वीडियोज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह।
तब तक अल्लाह हाफिज़।